अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारी यूट्यूब फैमिली, सदा सलामत रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो फ्रेंड्स चलो ये जी गाजरे हैं, इनको जरा ना फ्राई करना है। ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये जी टमाटर है, ये सब्ज मिर्च है, ये अदरक है। रहमान रहीम, आज ये हमारी गाजरें फ्राई करनी है। तो ये चूल्हा चलन दिया, बंद गोभी है, ये देखो, ये शिमला मिर्च है, मरियम, ये जी सब्ज मिर्च है, अदरक है, प्याज डालने थे जी, प्याज महंगे ही बहुत है, फिर ले नहीं गए, ना कोई आया, बस इधर हमारी गली में कोई आए तो हम सब्जी लेते हैं, वरने तो नहीं। ये सब धनिया है, ये भी इसी में जाना है। ये जी तीसरा अंडा है, ये जी चौथा अंडा है, अपनी मर्जी है, जितने की मर्जी बना लो। ये मैं बनाने लगी हूँ आमलेट, माने रही माँ जी, नमक है, ये जी हल्दी है, ये जी जीरा है, ये जी पीसा धनिया, मरियम कैसा बना है अंडा? बहुत मजेदार, सही है। गाइस से सलाम ले लो, गाइस सलाम लेकुम, गाइस आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस मेरे नानो के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। दिखाई गई है ये, और मेरी नानो हांडी और कई मजेदार कई जो टिंडा किया, आज नानो ने सोचा मैं सब्जी वाली रोटी बना लूं, तो मैंने कहा चलो बना लेते, गाइस को भी दिखा देंगे। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दो प्लीज गाइस। ये जी आमलेट अंडा बनाया, आमलेट एक होता है फ्राई अंडा, वो घी डाल के उसमें अंडा तोड़ के दे देते हैं, डाल देते हैं तो सफेदी वाला होता है, उसे कहते हैं फ्राई।
ये है आमलेट असू आमलेट कहने ये प्याज वगैरह पा के उन्होंने फेंट के तवे उत्ते इस तरह रोटी बन जाती जिस तरह ये बनी हुई है रोटियां तो फिर ये खाते हैं बहुत टेस्टी होती हैं। क्या चमची के साथ आप ना चाहे चमचियों के साथ खाएं चाहे पराठे के साथ खाएं चाहे सूखी रोटी से खाएं ये बहुत टेस्टी है। आप ट्राई मार के बना के खा के देखें कितनी टेस्टी बनती है। फिर हम तो यही ज़्यादा बनाते हैं, हम इसे आमलेट कहते हैं। एक अंडा आता है जो मिक्स होता है वो प्याज काट के हांडी च पाओ पा के फिर उसमें अंडा मिक्स कर लो वो भी बनता है। अंडा तो कई किस्मों का जैसे मर्जी बना लो। बहरहाल हमारे बच्चे ये पसंद करते हैं। ये मैं बना रही थी दो प्लेटें तो बच्चों ने ऊपर से ही खा ली हैं। आबाद रखे खुच रखे अज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। जिंदगी नहीं रहती के साथ मिलेगी।